हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जेबी एडिटिंग चैनल। तो आज हम स्नैपसीड ऐप की मदद से कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जिससे आप मेरे वीडियो को सबसे पहले वॉच कर सकें। तो बिना देर लगाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माई अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में स्नैपसीड ऐप की मदद से सीबी एडिटिंग सीखें, जो कि मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे और एंड तक देखिएगा, जिससे आप सीबी एडिटिंग कर सको। तो बिना देर लगाए फ़ोटो को अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जो फ़ोटो आप एडिट करना चाहते हो, और उस फोटो को स्नैपसीड ऐप में शेयर करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, मेरे पिक हो गए। स्नैपसीड ऐप में अपने यहाँ से टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ट्यून इमेज पे आएंगे। यहाँ से थोड़ी कलर ग्रेडिंग कर लेंगे अपने हिसाब से, अपने पिक के हिसाब से। तो फाइनली दोस्तों, मैं कर लेता हूँ कलर ग्रेडिंग यहाँ से जल्दी से। और यहाँ से व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे। व्यू एडिट पे यहाँ से ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ से जो मैंने येलो टोन अप्लाई किया था उसको यहाँ से इनक्रीज कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैंने जो येलो टोन अप्लाई किया था उसको मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया है। और यहाँ से इतना करने के बाद में यहाँ से डन कर देंगे और यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में यहाँ से फिर टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डिटेल पर क्लिक करेंगे, इसकी डिटेल बढ़ा देंगे। यहाँ से फिर टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से HDR अप्लाई कर देंगे। इसको फुल कर देंगे और यहाँ से इसको ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देंगे और यहाँ से डन कर देंगे। फिर फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में व्यू एडिट पे आएंगे, HDR पर ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जो HDR अप्लाई किया था उसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैंने वीडियो कर दिया फास्ट, यहाँ से अप्लाई कर देंगे इसको जल्दी से और यहाँ से डन कर देंगे। फिर यहाँ से बैक आ जाएंगे, फिर यहाँ से ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो लिप्स हैं इनको रेड कर लेंगे, जो डार्क हैं ब्लैक थोड़े, इनको रेड कर लेंगे। यहाँ से सैचुरेशन पर क्लिक करके यहाँ से फिर टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डुअल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे। एक बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को फुल कर देंगे, यहाँ से डन कर देंगे। और फिर यहाँ से व्यू एडिट पर आएंगे, डुअल एक्सपोजर पर क्लिक करेंगे, ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जो बैकग्राउंड सेलेक्ट किया था उसको अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों, मैंने वीडियो कर दिया फास्ट, जिससे मेरा जल्दी बैकग्राउंड अप्लाई हो जाए। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड अप्लाई हो गया है। अप्लाई होने के बाद में कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बिफोर की पिक और आफ्टर की। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से फिर टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्टिव पे आएंगे, जो फेस है इसको सेलेक्ट करके इसको इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, जिससे फेस वाइट हो जाए। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में और यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद में यहाँ से फिर इस पिक को शेयर करेंगे एयरब्रश ऐप में, जिससे आप फेस को स्मूथ कर सको प्रोफेशनल तरीके से। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से स्मूथ पे क्लिक करेंगे, डुअल स्मूथर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फेस को कर लेंगे स्मूथ। तो फाइनली दोस्तों, मैंने वीडियो कर दिया था फास्ट, जिससे मेरा फेस जल्दी से स्मूथ हो गया। तो फाइनली दोस्तों, आप देख सकते हो बिफोर की पिक तो और आफ्टर की पिक। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको मेरी सीबी एडिटिंग अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।